ये नजारा है झारखंड की राजधानी रांची का, जहां लोग पुलिस से उलझ रहे हैं। फुटेज देखिए ना सर, सर आपका कैमरा लगा हुआ है, फुटेज देखिए। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को नए ट्रैफिक नियम की जानकारी ही नहीं है। लाइसेंस कागज वगैरह सब कुछ सब ठीक है सर, आप पीछे वाला का ये तो न्यूज़ मेरे को पता नहीं था सर। वो हम लोगों को एक्चुअली अवेयर नहीं थे कि दोनों लोगों को हेलमेट पहनना, बाकी गाड़ी का सारा पेपर क्लियर है, बट हेलमेट का वो इशू था, तो हेलमेट की वजह से रोका गया है। थोड़ा सा तो परेशानी हो रहा है, बट एक तरह से ये सेफ्टी रूल के लिए ही है, लेकिन ये चीज़ पूरा क्लियर नहीं था कि दोनों को हेलमेट पहन के रखना है। नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद पुलिस वालों की सभी वाहन चालकों पर खास नजर है, और पुलिस भी ये बात मान रही है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। परेशानी कोई नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट ने इतना सख्त कानून लगाया है, इतना हैवी अमाउंट का जुर्माना रखा है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता की कमी है। अभी भी बहुत लोग धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसीलिए अब थोड़ा सख्ती से काम ले जा रहे हैं। सभी जगहों को जो जेन्युइन फाइन है विधिवत कार्रवाई की जा रही है। वहीं झारखंड के परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने भी ये माना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है और उसको दूर करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। केंद्र सरकार ने इसको कानून पास किया, राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसमें हमारी भूमिका है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें हमारी कोई सहमति नहीं ली गई है। आज मैं कैबिनेट बैठक है और मैं जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में इसके गुण और दोष दोनों पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा, और मैं चाहूंगा कि झारखंड में सबसे पहले एक बार दो बार चार बार पूरा व्यापक पूरे झारखंड के अंदर इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए कि भाई इतना मौका हम दे रहे हैं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनवा लें, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है वो इंश्योरेंस करवा लें, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाएं, दो के बदला तीन नहीं चले, तरह तरह के जो प्रावधान किए गए ये सारी व्यवस्था के लिए करेंगे। भारी भरकम जुर्माने से लोग परेशान है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि खुद की सुरक्षा अपने हाथ में ही तो है। R9 TV के लिए रांची से ब्रिजेश राय की रिपोर्ट।